सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएशन अजय। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक और नई वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हम इस फोटो की मैनिपुलेशन करने वाले हैं जो कि मेरे फ्रेंड्स की है। तो मैंने ही क्लिक की थी, मैंने ही एडिट किया, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट कर रखी है। अगर आप देखना चाहते हो इस पोस्ट को तो मैं लिंक दे दूंगा साइड में डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि ऐसी फोटोज को आप कैसे ही मैनिपुलेशन कर सकते हो बहुत ही इजी वे में। आप अपने मोबाइल पे ही पूरी एडिट कर सकते हो, और अगर आपके पास कैमरा नहीं है ऐसी फोटो क्लिक करने के लिए, तो आप फोन से भी बहुत अच्छी इमेज निकाल के बहुत अच्छी एडिट कर सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो पे, आप लास्ट तक वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है वीडियो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आ चुके हैं हम अपने पिक्सआर्ट पे, हमने पिक्सआर्ट ओपन कर लिया है। तो मैं अपनी फोटो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइस अपनी क्रॉप कर लो इंस्टा का साइज, इंस्टा के साइज में कन्वर्ट करके। तो अब चलते हैं अपने ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में आने के बाद फोटो लेयर में जाके अपनी फ़ोटो ऐड कर लेंगे जो हमने रिमूव बीजी में रिमूव की है। तो गाइस इसकी डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले ही एक डाल रखी है कि अपने बैकग्राउंड को रिमूव कैसे करें, हम वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको ऑन ऑफ करके देख लेंगे कि हमारा बैकग्राउंड अच्छे से मैच हो गया है कि नहीं। तो जो हमने फ़ोटोज़ लगाई है वो परफेक्ट हो गया है। तो हम बैकग्राउंड लेयर ले लेते हैं एक जो हमने बैकग्राउंड में लगानी है। तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसका अगर बैकग्राउंड आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको बैकग्राउंड दे दूंगा। ओ गाइस बैकग्राउंड कितना रखना है उतना सेलेक्ट कर लेंगे। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है तो इतना हमने ले लिया। इसको लेयर को नीचे करेंगे तो ये आ चुकी है। अब इसकी ओपेसिटी कम करनी है हमने, तो ओपेसिटी को कम कर लेते हैं अराउंड 15, ताकि हमारा जो पीछे का है वो हमें क्लियर दिखे क्या व्यू है, कितना इरेज करना है हमने। तो इरेज टूल में जाएंगे और इसको इरेज करेंगे। इसकी सेटिंग ब्रश की थोड़ी बढ़ा लेंगे अपने हिसाब से, एंड ओपेसिटी हार्डनेस तो 100 ही रहने देंगे क्योंकि हमने इरेज करना है। तो फटाफट से इसको इरेज कर लेते हैं, मैं फटाफट से इरेज कर लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं हमने अच्छे से अपने बैकग्राउंड को इरेज कर लिया है, परफेक्ट लग चुकी है हमारी वॉल पे। तो इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, 65 रखेंगे ताकि रियल सी लगे। एंड अब गाइस फिर से जाएंगे अपने लेयर में, एंड बैकग्राउंड का एक पहले सारे को ऑफ कर देंगे, एंड बैकग्राउंड को हम कॉपी लेयर बनाएंगे एक, एंड इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, एंड ट्रांसफॉर्म करने के बाद इसको फ्लिप कर देंगे नीचे की साइड। तो इसको हम नीचे की साइड, जो हमारी नीचे जो फर्श है उसके ऊपर हम इसको रिफ्लेक्ट देंगे, मिरर टाइप का रिफ्लेक्ट सा देंगे। एंड सब लेयर को ऑन करके हम इसकी ओपेसिटी कम कर लेते हैं। गाइस याद रखें ये जो हमारा मॉडल है उसके जो पैर की रिफ्लेक्ट आ रही है उतने ही उसके हिसाब से ही हमने ओपेसिटी रखनी है इस बैकग्राउंड की। ओके तो थोड़ा उस हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, एंड टिक करने के बाद ओके करने के बाद फिर इसको हम थोड़ा सा इरेज करेंगे। तो चलिए मैं अपने हिसाब से इरेज कर लेता हूँ, आप भी अपने हिसाब से इरेज कर लेना। इसकी ओपेसिटी और हार्डनेस थोड़ी सी कम कर लेंगे, अब अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेता हूँ।
तो गाइस देख सकते हैं मैंने अच्छे से रिमूव कर लिया है एंड ये बहुत ही रियलिस्टिक सा लग रहा है। कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा हमें, थोड़ी देर में हमने पूरी फ़ोटो को एडिट कर लिया है। अब चलते हैं लाइट रूम में इस फोटो की एडिट करेंगे हम। आप देख सकते हैं जूम करके पूरा एकदम रियलिस्टिक लग रहा है, कोई फेकनेस नहीं आ रही है। ये थोड़ा सा रह गया था तो इसको मैं इरेज कर ले रहा हूँ एंड आप भी थोड़ा डिटेलिंग में करेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा। तो गाइस पूरी फ़ोटो बन चुकी है। तो गाइज़ हमारी फ़ोटो पूरी बन चुकी है, तो चलते हैं लाइट रूम में एडिट कर। तो गाइज़ आ गए हम अपने लाइट रूम के अंदर। लाइट रूम में थोड़ी कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं ताकि हमारी जो इमेज है वो थोड़ी और अट्रैक्टिव सी लगे। तो मैं आपको डिटेल में नहीं बताने वाला, बाकी मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा इस वीडियो को ताकि जो भी मैं एडिट कर रहा हूँ कलर ग्रेड के अंदर तो वो आपको ईज़िली पता लगे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। तो वीडियो पर बने रहें। तो गाइज़ हमारी इमेज बन चुकी है, देख सकते हैं आप बिफ़ोर एंड आफ्टर कुछ इस टाइप की बनी है, काफ़ी अच्छी लग रही है। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपना प्यारा सा कमेंट दे सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इन फ्यूचर आगे के लिए आप अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसी ही अमेजिंग वीडियो डालता रहूँ, आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका सारा रिप्लाई देता रहूँगा साथ के साथ। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।